Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया है। इसी बीच अंबाला में बुधवार को बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस रैली में विज का एक बयान जंगल में आग की तरह फैल गया और सुर्खियों का विषय बन गया। असल में भाषण देते हुए अनिल विज का दर्द छलक उठा। अनिल विज ने कहा कि मुझे अपनी ही पार्टी में किनारे कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी बेगाने आपके अपने से ज्यादा काम करते हैं। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री असीम गोयल और कंवर पाल गुर्जर शामिल थे। आज तो मैं केवल एक बात आपसे कह रहा था, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करता। जहां लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं बीजेपी के लिए अपने नेताओं को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। नायब सैनी सरकार में मंत्री बनने से चूके पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जहां चुनाव प्रचार के लिए खुद को सिर्फ अपने हलके तक ही सीमित कर दिया है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के दौरान अनिल विज को वरिष्ठ होने के बावजूद अंतिम समय तक कोई जानकारी नहीं दी गई और नई सरकार में गठन में भी विज को दरकिनार किया गया। ये नाराजगी तो अनिल विज की पहले से ही दिख रही थी, लेकिन अब विज का दर्द छलक उठा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद विज काफी नाराज चल रहे थे। सीएम के पहले स्वागत दौरे में जहां विज ने दूरी बनाकर रखी थी, वहीं ऐलान भी किया था कि वो कैंट विधानसभा में रहकर ही चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद से उन्होंने अपनी गतिविधियों को अंबाला कैंट तक ही सीमित कर दिया। सीएम नायब सैनी का अंबाला में पहला स्वागत दौरा था। अंबाला शहर में दो जगहों पर उनका स्वागत भी हुआ था, तो अंबाला कैंट में भी उनका स्वागत समारोह रखा गया। इसमें भाजपा मंडल प्रधान तो पहुंचे, लेकिन विज ने सभा से दूरियां बनाकर रखी थी। अब नाराज विज को मनाने के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों में अनिल विज को भी जगह दी। भाजपा ने अपने 40 दिग्गज नेताओं की सूची बीते दिन जारी की है, जिसमें हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हैं। लेकिन विज का बयान अब जंगल में आग की तरह फैल चुका है। विज के बयान से साफ पता लग रहा है कि नए कैबिनेट में जगह न मिलने से वो काफी दुखी हैं। और भाजपा अपने वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता की नाराजगी को अब कैसे दूर करती है, ये तो भाजपा ही जाने। लेकिन विज को मंत्री पद न मिलने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।